नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में अक्षय तृतीया पर धनबर से। मैं हूं आपके साथ किटी बहल। तो ये अक्षय तृतीया आपके लिए लेकर आए अक्षय फल, यही है हमारी कामना और कोशिश भी। IBN 7 की तरफ से हम शुरुआत कर रहे हैं अपनी खास सीरीज की, जिसमें हम आपको बताएंगे कैसे, कब और कहां आपको करनी है खरीदारी, कौन से हैं शुभ मुहूर्त और कैसे आप भर सकते हैं अपने घर की तिजोरी। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस खास सफर की। अक्षय तृतीया का संबंध सोने के साथ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन सोना खरीदना बेहद ही शुभ होता है और इस दिन खरीदे गए सोने को अगर आप अपनी तिजोरी में रखते हैं तो वो आपको बहुत ही शुभ फल देता है। तो क्या है इस दिन की मान्यता और क्यों करें आप सोने की खरीदारी, आइए आपको बताते हैं। आ गया सोने का त्योहार, अक्षय तृतीया पर गहनों की बहार। भर लो तिजोरी, 50 साल बाद बन रहा है ऐसा शुभ योग। जी हाँ, सोने का त्योहार ही कहा जाता है अक्षय तृतीया को, वो दिन जब सोने की खरीदारी को सबसे शुभ और अहम माना जाता है। मान्यता यह है कि इस दिन खरीदा गया कोई भी आभूषण यदि तिजोरी में रख लिया जाए तो पूरा साल तिजोरी भरी रहती है। बाकी दिनों के मुकाबले इस दिन खरीदारी 2 से 3 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। ज्योतिषियों के मुताबिक इस बार अक्षय तृतीया पर बेहतर और शुभ मंगल घड़ी होने के कारण बाजार में उत्साह है और इसी के चलते पिछले दिनों ज्वेलर्स ने स्टॉक भी अच्छा खासा जमा कर लिया है। यदि आंकड़ों को देखें तो सरकारी खजाने में हर साल 10,000 करोड़ रुपए से अधिक के आभूषणों का कारोबार होता है। इस लिहाज से हर दिन औसतन 50 करोड़ के सोने के आभूषण बिक जाते हैं। देखिए, उसमें क्या इन्वेस्टर जरूर खरीदता है, कमोडिटी में भाव गिरते हैं तो इन्वेस्टर क्या शॉर्ट पीरियड के लिए खरीदता है, जैसे गोल्ड टूट गया फिर खरीद लिया, ऊपर हुआ फिर बेच दिया। उसके अलावा भी इन्वेस्टर जो पर्सनल लॉन्ग टाइम के लिए खरीदते हैं वो इस समय मार्केट में नहीं है, क्योंकि सबकी एक कैलकुलेशन आ रही है गोल्ड अभी और टूटेगा। जबकि हमारा कहना है कि गोल्ड जितना टूट चुका है वो लिमिट आ चुकी है, कोई ज्यादा मंदी नहीं है, जो ले लेगा वही जीत में रहेगा। ये तो एक मान्यता है, लेकिन इस त्योहार के साथ बहुत सी पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हुई हैं। अक्षय तृतीया को सर्वार्थ सिद्धि मुहूर्त के रूप में जाना जाता है, यानी किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने का शुभ मुहूर्त। मान्यता है कि इस दिन बिना कोई मुहूर्त देखे तमाम शुभ कार्यों की शुरुआत की जा सकती है, जैसे विवाह, घर की खरीदारी, गाड़ी खरीदना, गहनों की खरीदारी, नए व्यापार की शुरुआत हो या फिर नई नौकरी ज्वाइन करना। अक्षय तृतीया को सामाजिक और सांस्कृतिक शिक्षा का अनूठा त्योहार भी कहा जाता है। अक्षय तृतीया का महत्व इस संदर्भ में है कि आप कोई भी कर्म इस दिन करते हैं तो वो अक्षय पुण्य की श्रेणी में चला जाता है, तो वो जो कार्य है वो उसको वो होल्ड हो जाता है, वो प्रारब्ध में काउंट हो जाता है और उसके एवज में आप बाकी चीजें पाते हैं। तो जैसे अगर कोई आप पुण्य करते हैं तो वो पुण्य भी उस पुण्य को होल्ड कर लिया जाता है ईश्वर के द्वारा, कि ठीक है दिन इतना पवित्र माना गया कि आपने जो भी पुण्य कार्य किए हैं उन पुण्य कार्यों को ईश्वर अपने यहाँ संरक्षित कर लेते हैं और उसके ब्याज के स्वरूप में आपको लाभ मिलते रहते हैं। आप यूं समझें कि एक FD, अगर अपन सामान्य भाषा में बात करें तो एक FD होल्ड कर ली गई है और उसका इंटरेस्ट आपको पूरी जिंदगी और अगली जिंदगियों में भी मिलता रहता है। कृषक समुदाय में इस दिन एकत्रित होकर आने वाले वर्ष के आगमन, कृषि पैदावार आदि के शगुन के तौर पर इसे देखा जाता है। कहा जाता है कि इस दिन जो शगुन कृषकों को मिलता है वो 100% सत्य होता है। हालांकि किसी किसी समुदाय में इस दिन शिकार की भी परंपरा है। अलग अलग इलाकों में अक्षय तृतीया को अलग तरह से मनाया जाता है। बुंदेलखंड में ये त्योहार तृतीया से आरंभ होकर पूर्णिमा तक बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें कुंवारी कन्याएं अपने भाई, पिता और गांव में शगुन बांटती हैं ताकि परिवार और गांव में खुशहाली आए। वैसे ये दिन शुभ होता है और इस दिन किया गया दान भी 2 गुने फल देता है। पितृदान का भी इस दिन खास महत्व होता है।
तो इस दिन सोना खरीदने को लेकर काफी क्रेज रहता है और कहते हैं ना, अगर किसी महिला को खुश करना है तो उसकी सबसे पसंदीदा चीज सोना या डायमंड उसे गिफ्ट कर दे। तो कैसा क्रेज है इस दिन को लेकर और महिलाएं क्या क्या बहाने लगा रही हैं ज्वेलरी खरीदने को लेकर, ये भी बात करेंगे कुछ ऐसी महिलाओं से। चलिए चलते हैं। लगने वाला है सोने का मेला, सस्ता होने के चलते सोना बना पहली पसंद। शुभ मुहूर्त के चलते सोने का क्रेज, अक्षय तृतीया पर सोने पर सुहागा। जी हाँ, लगा है सोने का मेला, मुहूर्त भी अच्छा है, भर लो तिजोरियां, कर लो खरीदारी। महिलाओं का सोने से प्यार जग जाहिर है और जब मुहूर्त भी हो और मौका भी, तो ऐसे इनकैश करने में भला वो कैसे पीछे रह सकती हैं। तो अक्षय तृतीया की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, 21 तारीख को है, क्या खरीदती हैं अक्षय तृतीया पर? बिल्कुल खरीदते हैं। अच्छा, क्या खरीदते हैं आप? कुछ भी ले लेती हूँ अपने बच्चों के लिए। अच्छा, कहते हैं कि ये छोटी से बड़ी चीज कुछ भी खरीद सकते हैं। शुभ होती है। अच्छा, शुभ होती है वो। शुभ होती है जी। तो हर साल खरीदती हैं आप? जी। क्या खरीदा लास्ट टाइम? एक बार हमने बहू के लिए कड़े खरीदे। अच्छा। फिर एक बार लोग कट खरीदा था। अच्छा। एक बार अंगूठी ली, ऐसे ही छोटा मोटा ले लेते हैं। तो बाला तो हर बार की तरह इस बार भी सोना खरीदने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती हैं। हर बार वो सोना खरीदती हैं और इस बार भी वो कुछ ऐसा ही खरीदने वाली हैं जिसकी उन्होंने प्लानिंग कर ली है। इसके बाद हम पहुंचे एक और महिला कस्टमर के पास जो बेसब्री से अक्षय तृतीया का इंतजार कर रही है। आखिर हो भी क्यों ना, बेटे की शादी जो है और अपनी प्यारी बहू के लिए प्यारे और खूबसूरत गहने जो खरीदने हैं। अक्षय तृतीया के मौके पर नए कम दाम पर गहने खरीदने का चांस भला कोई कैसे छोड़े? गोल्ड खरीदना और ज्वेलरी खरीदना शुभ माना जाता है और ये सोचा जाता है कि उससे फिर पूरा वर्ष धन धान्य घर में समृद्धि रहती है। तो मैं हर साल खरीद ही लेती हूँ, थोड़ा कोशिश करती हूँ कि खरीद ही लूँ, है ना। और इस बार भी खरीदूंगी, अब की बार तो मेरे बेटे की शादी है तो खरीदूंगी और भी। शादी नहीं बल्कि दूसरे खास मौकों के लिए भी सोना खरीदा जा रहा है। शोरूम्स में खरीदारी के लिए आए मिस्टर अबरोल अपनी बहन को एनिवर्सरी पर खास गिफ्ट देना चाहते हैं और अक्षय तृतीया के मौके पर सुंदर और टिकाऊ ज्वेलरी खरीदना भला कौन नहीं चाहेगा। मेरी बेटी की एनिवर्सरी है तो उसके लिए दामाद और बेटी के लिए खरीदेंगे। अच्छा, खास माना जाता है कि इस दिन अगर कुछ खरीदते हैं? हाँ, खास माना जाता है, लोग कहते हैं कि इस पे खरीदने पे शुभ होता है। अच्छा। बरकत रहती है घर में। वैसे दक्षिण भारत में ये मान्यता है कि अक्षय तृतीया को जो भी खरीदा जाता है उसका क्षय नहीं होता, यानी वो कभी कम नहीं होता, इसीलिए दक्षिण भारत में आभूषण खरीदने का चलन ज्यादा है। अब ये ट्रेंड उत्तर भारत में भी आ गया है, वहाँ की परंपरा अपनाने का फायदा यहाँ की सोने की खरीद पर भी देखने को मिल रहा है और इस बार इसमें तेजी आने की उम्मीद है। इतना ही नहीं, नॉन वेडिंग सीजन के दौरान भी अक्षय तृतीया जैसे शुभ मुहूर्त पर लोगों को सोना खरीदना फायदे का सौदा लगता है, इससे भी कारोबार को बूम मिलता है। गोल्ड खरीदने से और डायमंड खरीदने से लेडीज को थोड़ा एक सोशल सिक्योरिटी भी रहता है। हाँ। उसको प्राउड रहता है कि उसके पास हर तरीके की ज्वेलरी है। हर साल हमारी उम्मीद होती है और हम हर चीज़ को ध्यान में रखते हैं। जैसे इस साल गोल्ड का रेट कम है, लास्ट ईयर इससे ज़्यादा था, तो अब हमारे को लगता है कि इसमें हमको 30-40% का ज़्यादा फुटफॉल मिलेगा। शादी हो या कोई एनिवर्सरी या हो कोई खास मौका, अक्षय तृतीया के दिन सोने की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इसकी खरीदारी के लिए हर कोई तत्पर रहता है, इसीलिए तो है अक्षय तृतीया सोने का मेला। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। तो देखा आपने कितनी एक्साइटेड है महिलाएं। अब जब महिलाओं में इतना क्रेज है तो भला ज्वेलर्स इसका फायदा कैसे ना उठाएं? महिलाओं को अट्रैक्ट करने के लिए ज्वेलर्स हर बार नए नए ऑफर्स लेकर आते हैं, तो इस बार क्या खास है बाजार में, आइए चलिए देखते हैं। बाजार
बाय वन गेट वन फ्री, बाय वन ग्राम गेट वन सिल्वर कॉइन फ्री, या फिर सोने के सेट के साथ एक रिंग फ्री। ऐसे ऑफर्स मिले तो कोई क्यों ना ले। जी हाँ, यही है मार्केटिंग का फंडा। दुकानदार जानते हैं कि महिलाओं की कमजोरी क्या है, ज्वेलरी, तो इसे भुनाने के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। दिल्ली का बत्रा परिवार भी इस खास मौके पर ज्वेलरी खरीदना नहीं भूलता। मिसेस बत्रा तो हर साल सोना खरीदती हैं और इस बार अपनी बेटी के लिए कुछ खास खरीदने का मन बना रही हैं। अक्षय तृतीया आने वाली है, ऐसे में डायमंड खरीदना प्रेफर करेंगे या सोना? सोना। सोना प्रेफर करें। हाँ जी। किस लिए? क्योंकि शुभ होता है उस दिन। अच्छा। हाँ जी। तो हर साल खरीदते हैं सोना? हाँ जी, मोस्टली हर साल ही खरीदते हैं। अच्छा, क्यों शुभ माना जाता है इसके, इसके पीछे क्या मान्यता है, पता है आपको? नहीं, मान्यता तो नहीं पता, बस मतलब सब लोग कहते हैं कि अच्छा होता है। अच्छा। अपने घर में गोल्ड रखेंगे तो और अच्छा रहता है, धन वगैरह आता है। बत्रा परिवार तो शॉपिंग करेगा ही, और अगर उस शॉपिंग पर कुछ ऑफर्स भी मिल जाए तो मामला फिट हो जाए। पूरा साल न सही, पर मौका जब अक्षय तृतीया का हो तो ऑफर्स बनते हैं और महिलाओं के लिए उन्हें भुनाना भी बनता है। इस दिन के लिए खास ज्वेलरी की वैरायटी भी आपको ज्यादातर शोरूम्स में मिल जाएगी। इनमें लाइट वेट कम दाम वाले गहने भी खास अट्रैक्शन होते हैं। अक्षय तृतीया आ रहा है और हमारे यहाँ पर अक्षय तृतीया पे गोल्ड और डायमंड की ज्वेलरी बहुत ज़्यादा खरीदी जाती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम हर बार कुछ नया क्रिएट करते हैं। इस बार हमने हर सेगमेंट के लिए कुछ ना कुछ बनाते हैं। अब जैसे ये लाइट वेट की ज्वेलरी बनाई है, आप 10 ग्राम के अंदर इतना हैवी पेंडेंट सेट देख सकते हैं। ये हॉलमार्क ज्वेलरी होती है 22 कैरेट की कंप्लीट। अच्छा, यानी कि ये 10 ग्राम सेट है, यानी कि एक तोला जिसे कहा जाता है। अच्छा, पूरा एक तोला में आपको ये पूरा सेट मिल सकता है। आप देख रहे हैं पेंडेंट है और साथ ही साथ बहुत ही ब्यूटीफुल इयररिंग्स हैं इसके साथ। दुकानों में नई ज्वेलरी तो है ही, लेकिन जरा इस पर नजर डालिए कि दुकानदारों ने इस बार क्या रखे हैं ऑफर्स। 1 लाख की गोल्ड की खरीद पर 10% मेकिंग पर डिस्काउंट, 1 से 2 लाख की गोल्ड की ज्वेलरी पर 15% का डिस्काउंट, 2 लाख से ऊपर की खरीद पर आपको मिलेगा 20% डिस्काउंट। इन ऑफर्स के लालच में खरीदार भी इस दिन का पूरा फायदा उठाते हैं। दुकानों पर तो इस दिन से पहले ही डिस्काउंट और ऑफर्स की क्वेरीज आने लगती हैं। मैं बेस्ट ऑफर्स चेक करने आई हूँ अक्षय तृतीया के अवसर के लिए। अच्छा। हाँ। अभी कुछ खरीदा है आपने? हाँ, एक पेंडेंट सेट खरीदा है। 21 अप्रैल का सभी को इंतजार है, लेकिन हम आपको ये बता दें कि सिर्फ 21 अप्रैल ही नहीं बल्कि ये डिस्काउंट्स और ऑफर्स पहले से ही दुकानों पर अवेलेबल हैं। तो अगर किसी वजह से आप पहले या बाद में खरीदारी करना चाहते हैं तो आप इन ऑफर्स का बाखूबी फायदा उठा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आईबीएन 7। तो शॉपिंग तो हमने आपको करा दी, लेकिन क्या इस शॉपिंग का आपको फायदा होगा? भाई बिल्कुल होगा, क्योंकि अक्षय तृतीया का तो मतलब ही फायदा है। तो सोने में निवेश के और क्या फायदे हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। सदियों से ये परंपरा चलती आई है कि हमारी माँ नानी दादी ही अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए सोना खरीदती आई हैं। तो निवेश का जो ये आइडिया है ये हमारी माँ नानी दादी ने ही हमें सिखाया है, लेकिन बदली अर्थव्यवस्था में सोने में निवेश के क्या फायदे हैं, चलिए जानते हैं। दादा दादी के जमाने से अगर कोई चीज बेटी की शादी के लिए जोड़ी जाती है तो वो है सोना। सोना चाहे कितना भी पुराना हो, दाम में कभी कमी नहीं आती। इसीलिए तो महिलाएं सोने को अपना सबसे अच्छा दोस्त कहती हैं, यानी मुश्किल समय में इंसान का साथी। तो एक बात तो तय है कि सोने में निवेश का फंडा हमें हमारी दादी नानी ने दिया। वैसे ज्वेलरी सस्ती होती है, उसी का ही फायदा होता है, क्योंकि वैसे तो जब तक अपन सोने की रेट देखते रहते हैं, बढ़ती रहती तो मन नहीं करता यहाँ पर खरीदारी करने का, लेकिन कम होते ही मन करता है कुछ ले ले। इन्वेस्टमेंट हो जाता है गोल्ड में एक तरीके से। इन्वेस्टमेंट भी हो गया। आप बताएं अक्षय तृतीया पे क्यों ज्यादा खरीदते हैं लोग? क्योंकि मतलब जैसे जो चीज अपन नहीं ले पा रहे हैं कोई, मतलब तो फिर वो जैसे सस्ता होता है तो बहाना मिल जाता है, इस चक्कर मतलब खरीद लेते हैं अपन। जैसे ऐसे पीछे कोई बच्चों के लिए लेकर, कोई वैसे मतलब ज्वेलरी पसंद आती वैसे ले। अभी सस्ता, जब सस्ता होता तब महिलाएं ज्यादा खरीदती हैं। हाँ, जब ज्यादा खरीदती है उस टाइम तो बहुत ज्यादा फिर वो हो जाती है, लगता है ये भी ले लें वो भी ले लें। लेकिन बदलते वक्त के साथ साथ सोने के दाम भी बढ़े तो इसका असर बाजार पर भी पड़ा और हमारी जेब पर भी।
अक्षय तृतीया, जिसे राजस्थान में आखा तीज भी कहा जाता है, और इस वक्त किसान फसल काटने के बाद अपने बच्चों की शादी करते हैं। लेकिन इस बार फसल बर्बादी का असर सोने की बिक्री पर भी पड़ रहा है। क्या कैसी बिक्री हो रही है और कितनी मांग है? तो सामान्य से थोड़ा कम है बिक्री। क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा तो इसलिए है कि एक तो शादियां जो आखा तीज की है वो किसानों की होती है, और किसान लोगों का खराबा हो गया है तो थोड़ा कम हो गया है काम। हालांकि जानकार ये भी मानते हैं कि सोने के दाम में कमी आई है और ये मौका निवेश के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि आने वाले वक्त में भी दाम कुछ खास बढ़ने वाले नहीं है। जो अभी जो मार्केट के अंदर सोना है वो सस्ता है या महंगा है? अब सस्ता है, कुछ पहले से सस्ता है। क्या उम्मीद कर सकते हैं, आगे बढ़ेगा या कम होगा? आगे यही भाव रहेंगे, इसी के आसपास ही रहेंगे, ज्यादा तेजी मंदी का संभावना कम है। तो सोने का ये मेला, जिसका फायदा उठाने के लिए हर कोई तैयार है, बस अक्षय तृतीया का इंतजार है। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि शुभ काम में देरी किस बात की, जब डिस्काउंट्स और ऑफर्स की भरमार हो तो हर दिन अक्षय तृतीया ही है। तो सोना कितना सोना है, इसका क्रेज कितना है, ये सब तो आपने जान लिया। लेकिन अभी ऐसी और भी बहुत सी बातें हैं जो आपके लिए हो सकती हैं आपकी जेब के लिए फायदे का सौदा, ये भी हम बात करेंगे लेकिन कल। फिलहाल आज के लिए इस पेशकश में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।